बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। सो मैं हूँ नुमान और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल गेट प्रो विद ब्रो। सो बेसिकली आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो जस्ट पुलअप्स टू नी रेजेज हैं। 100 पुलअप्स एंड 100 नी रेजेज। नी रेज इस तरह करने के 1 पुलअप और 1 नी रेजेज इस तरह, ठीक है। सो 100 रेप्स करने हमने। सो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेन पुलअप्स, सो 10 सेकेंड रेस्ट लेना है। सो फ्रेंड्स, जब हम पुलअप्स में अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखते हैं तो उससे वैसे भी हमारा जो है कोर इंगेज रहता है। और आपको पता है नी रेज से तो वैसे भी जो है कोर की एक्सरसाइज होती है सिक्स पैक के लिए नी रेजेस। ठीक बार पर करना वैसे भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ज्यादा रेप्स। सो ज्यादा रेप्स के लिए जो है थोड़ा बार का पतला होना लाजमी है, क्योंकि उससे थोड़ा इजी हो जाता है ज्यादा पुलअप्स करना। ओके, लेट्स गो। हो फाइव एट टेन फोर्टी सो मैं समझ रहा था कि शायद ये सिंपल पुशअप्स की तरह, सॉरी पुलअप्स की तरह
थोड़ा इजी रहेगा, मगर ये वैसा नहीं है, क्योंकि हमें जो है एक पुलअप करना होता है, फिर जब हम अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेते हैं या एक तरह जो है बिल्कुल आर्म्स को लॉक कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं, तो उससे बहुत इफ़ेक्ट होता है, उससे एक्सरसाइज पुलअप्स और भी हार्ड हो जाते हैं। फोर्टी हो गए गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं। फिफ्टी, इट्स हार्ड जर्नी गाइस, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी बॉडी को पुलअप्स में स्ट्रेट रखूँ, मगर ज़्यादा रेप्स होने की वजह से बॉडी फिर भी थोड़ा सा मूव कर जाती है। मूव मतलब जो है नी बेंड हो जाती है थोड़ी सी। ओके लेट्स स्टार्ट। सेवन, टेन, ओके गाइस 60 हो गए हैं। सिक्सटी ओके, 70 करते हैं कंप्लीट। फाइव, 65 हो गए। माय आर्म्स कंप्लीटली पंप्ड नाउ एंड माय फोर आर्म्स आल्सो, यू कैन सी। Let's go, 5 reps. Seventy pull-ups complete. This is also problem guys, you can see bar is also
not like a completely straight, little bit like a left side and right side, like little bit difference up and down. If you realize, start karte hain guys. चाहे जो भी मसला है अब क्या करें, बार सीधा है या नहीं है. 70 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं. फाइव रैप्स 75. सो गाइस, जो है ज़्यादा वाइड करने से ग्रिप, इससे जो है हमारे जो है इनर बाइसेप्स बनते हैं, और ज़्यादा क्लोज करने से जो है आउटर बाइसेप. ओके, सो मैं दोनों ग्रिप कर रहा हूँ. 5 रेप्स मोर. अच्छा, एक और बात गाइस, जो है क्लोज ग्रिप करने से पुल अप थोड़ा इजीली होते हैं, क्योंकि वाइड ग्रिप करने से ना हमें बॉडी को इस तरह ऊपर उठाना पड़ता है कि जब हमारी आर्म्स जो हैं खुली होती हैं, तो उससे ज़्यादा फोर्स लगती है बॉडी को ऊपर उठाने में. जब हमारी आर्म्स जो है क्लोज होती हैं, तो इससे हमारे जो है दोनों बाजों की जो एक पावर है, एनर्जी है, वो इकट्ठी हो जाती है एक तरह, तो उस तरह ज़्यादा इजी हो जाता है पुल करना ऊपर. 80 हो गए. ओके, सो लेट्स गो. वैसे पाकिस्तान में जो है बिजली नहीं होती, और आज दिन में भी माशाल्लाह से लाइटें जल रही हैं. ओके, लेट्स गो. फाइव 85. वाओ, पूरे पार्क में लाइटें जल रही हैं, सिर्फ यही नहीं जल रही, देखें आप सामने बिल्कुल ये भी चल रही है, और ये यहाँ पर ये देखें, ये भी लाइट ऑन है, और यहाँ पर भी ऑन है. सारे पार्क में शायद लाइटें ऑन की हुई हैं. यहाँ पर देखें आप, ये यहाँ पर ओके अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं. लेट्स गो. 85. नाइन्टी पुलअप्स कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह. ओके, 10 मोर कंप्लीट करते हैं. यहाँ पर पुलअप करके देखता हूँ, इस साइड पर इसी तरह आएंगे. नाइन्टी फाइव
5 reps more just, alhamdulillah. Let's go. ओके गाइस, सो आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है. इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम बिफोर वीडियो एंड. सो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस. इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल सो मेक श्योर यू क्लिक द बेल आइकन फॉर सी माय नेक्स्ट वीडियो ऑन टाइम. ओके ओके, अल्लाह हाफिज़. डोंट फॉरगेट मी इन योर प्रेयर्स. थैंक यू.